Very good morning, students. Today we are going to read fourth chapter of First Flight, and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Students, it is the extract which has been taken from the diary of Anne Frank. Before going to the chapter, we would study about the author. Who was author and what was her activities? We should know that author was born on 12 June 1929 in Frankfurt, Germany. She was a German-born diarist. And students, Otto Frank and Edith Frank were her father and mother. And Margot Frank was her sister. She moved to Aachen, which is in Germany itself, with her elder sister when she was at the age of 4. And have to stay with the grandmother when the Nazis gained control over Germany. तो स्टूडेंट्स जो एनी फ्रैंक थी वो अपनी दादी माँ के पास रही आचेन में, और जब जर्मनी के ऊपर नाजिस का कंट्रोल हो गया, जब उन्होंने वहाँ पर अपना जर्मनी के ऊपर अपना जब कंट्रोल रह लिया, तो उस समय इन्होंने वहाँ की सिटीज़न जो है इनकी लॉस्ट हो गई इन 1941 में, एंड बिकेम और क्या हो गए लोग स्टेटलेस हो गए. शी गॉट इसको जो है बहुत ज़्यादा प्रेज मिली, एक्लेम एंड पॉपुलैरिटी मिली विद द पॉपुलेशन विद द पब्लिकेशन ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. जब इसकी डायरी जो है पब्लिश हुई एन फ्रैंक की, उस समय इसको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली और बहुत ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि बढ़ गई, बहुत फेमस हो गई. इन विच शी नरेटेड अपनी डायरी में इन्होंने जो है अपनी लाइफ के बारे में नरेट किया है. किस समय की लाइफ के बारे में नरेट किया है? जब नाजिस लोगों ने जर्मनी पर अपना कंट्रोल कर लिया था, तो ये लोग छुपे छुपे फिरते थे, हाइडिंग प्लेस पे रहते थे. इन 1942 से लेकर जो है 1944 तक, और उस मोमेंट जो भी इनकी लाइफ में गुजरा उसको इन्होंने अपनी इस डायरी में नोट डाउन किया है, जॉटेड डाउन किया है. एंड एन फ्रैंक डाइड इन फेब्रवरी 1945 में जो है ये 15 साल की हो गई थी. अब नाउ स्टूडेंट्स वी विल गेट टू नो अबाउट द जिस्ट ऑफ दिस लेसन. This is the story of a young girl Anne Frank. और ये स्टोरी जो है यंग एन फ्रैंक की स्टोरी है. एन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जब अपने परिवार के साथ वो छुपी हुई रह रहे थे, जर्मन में छुप कर रह रहे थे, उस समय उन्होंने अपनी इस डायरी को लिखा. द डायरी वॉज रिटन एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, और ये डायरी जो है वो लिखी गई है वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर. इट वॉज़ रियली ए यूनिक एक्सपीरियंस फॉर हर, ये इसके लिए बहुत ही विचित्र सा एक्सपीरियंस था. वाइल राइटिंग ए डायरी, जब ये डायरी लिख रही थी उस मोमेंट इनके लिए बड़ा ही विचित्र ये एक्सपीरियंस रहा. इन द इनिशियल स्टेज बिगनिंग में when while she started writing diary she was quite depressed and dejected. और उस समय एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी जब ये वो डायरी लिख रही थी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, बहुत ज़्यादा निराश थी. शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर फैमिली, वो अपने परिवार के विषय में सोच रही थी, अपने पेरेंट्स के विषय में सोच रही थी, अपने सिस्टर के विषय में सोच रही थी. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज शी वॉन्टेड अ ट्रू फ्रेंड,
और इसके बावजूद जो है वो अपना एक ट्रू फ्रेंड को भी तलाश कर रही थी, बिकॉज़ जो है वो काफ़ी लोनली फील करती थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को उस मोमेंट तलाश कर रही थी। विच शी फाउंड इन अ फॉर्म, जो कि उन्हें एक डायरी के रूप में अपना फ्रेंड जो है वो मिला और उन्होंने डायरी के रूप में अपने फ्रेंड को पाया। हालांकि देर वर 30 पीपल अराउंड हर, हालांकि 30 लोग थे, 30 पीपल्स थे जिनके साथ वो वहाँ रहा करती थी, 30 पीपल्स के साथ रहा करती थी, होम शी कुड कंसिडर एज फ्रेंड्स, जिन्हें वो अपने फ्रेंड जो है मान सकती थी, उन्हें कंसिडर कर सकती थी। इन 1933 में हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड, और 1933 में उनके पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ गए, हॉलैंड गए। शी ओनली स्टेड विद हर ग्रैंड मदर, और ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहीं पर ही रह गई, आचेन में ही, जो कि जर्मनी में है बेटा, वहीं पर ही रह गई। एने वो सेंट टू मोंटेसरी स्कूल, और वहीं पर ही एने जो है अपने मोंटेसरी स्कूल उन्होंने ज्वाइन करा, वेयर शी स्टडीड टिल 6 ईयर ऑफ हर एज, और इन्होंने अपनी 6 साल की उम्र तक वहीं पर अपना पढ़ाई वगैरह सब कुछ पूरी करी। वेल शी वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, और जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी तो द एग्जामिनेशंस वर हेल्ड, उनके एग्जाम्स हुए। ऑन द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट द एंटायर क्लास वॉज इंटेंस, और जब रिजल्ट की बात थी तब उनकी पूरी क्लास बहुत ज़्यादा टेंस थी और सभी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्या थे, नर्वस थे सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका रिजल्ट निकलना था बेटा, वो सारे बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे। मिस्टर किसिंग वॉज हर मैथ टीचर, यहाँ पर एन फ्रेंक के एक सर थे जिनका नाम था मिस्टर किसिंग, जो कि उनके मैथ्स के टीचर थे। और एन फ्रेंक वॉज वेरी टॉकेटिव, और एन फ्रेंक का जो एक नेचर था वो ये था, वो बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी। एज ए पनिशमेंट द टीचर गेव हर टू राइट अ टॉपिक ऑन अ चैटर बॉक्स, और क्योंकि उनकी आदत थी बहुत ज़्यादा बोलने की, इसी कारण उनके सर ने उनको एक टॉपिक दिया चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए कि तुम इसके ऊपर एक ऐसे जो है वो लिखोगी, विच शी कुड राइट प्रॉपरली, जिसे कि उसने बहुत अच्छे से उस ऐसे को लिखा। शी थॉट दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेन सीइंग दिस, और वो इस बात को कहती हैं कि देखिए बातचीत करना तो जो है बच्चों की आदत होती है, बच्चों की क्वालिटी होती है, और सीइंग दिस इस कारण मिस्टर किसिंग लाफ्ड लाउडली, और उन्होंने जब ये बात लिखी इसमें कि भाई ये तो बच्चों की आदत होती है बात करना, और ये सुन के जो है किसिंग जो है बहुत ज़्यादा मुस्कुराए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। नाउ ही गेव अनदर टॉपिक टू हर टू राइट ऑन, अब इस बात को सुनकर उन्होंने उसको दूसरा टॉपिक दे दिया कि भाई अब आप इस टॉपिक पर लिखो, दैट इज़, और वो उस टॉपिक का नाम था एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। क्या मतलब हुआ इसका, इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स का मतलब ऐसी आदत जो सुधार ना पाए, जो आदत जो है ठीक ना हो उसको बोलते हैं इनकॉरिजेबल हैबिट। फॉर द थर्ड टाइम, और तीसरी बार भी फिर उसको टॉपिक दिया, क्योंकि एनी फ्रेंक ने अपनी उस आदत को जो है उसने छोड़ा नहीं, तो उसको दूसरा थर्ड टाइम भी उसके सर ने एक टॉपिक दिया, और उस टॉपिक का नाम था क्वैक क्वैक क्वैक। इट सेड मिस्ट्रेस ऑफ हर फ्रेंड सैनी, तो ये जब उसको टॉपिक दिया गया दोबारा से लिखने के लिए, तो उसने इस टॉपिक को जो है बड़ा सीरियसली, और इसको उसने वर्सेस में लिखा, जिसमें कि उसकी फ्रेंड ने भी उसकी हेल्प करी लिखने के लिए। क्वैक 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 सेट
मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो एट दिस टॉपिक और इस टॉपिक पर नॉट ओनली एनी फ्रैंक, केवल एनी फ्रैंक ही नहीं बट ऑल्सो पूरी एंटायर ऑल्सो द एंटायर क्लास लाफ्ड लाउडली और पूरी क्लास इस बात पर जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसी। नाउ विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सहनी शी रोट इन वर्ड्स, और अपनी फ्रेंड की मदद से उसने इस पोएम को लिखा और वर्सेस में लिखा। और उसने क्या लिखा, द पोएम वॉज अबाउट अ मदर डक, और ये पोएम थी मदर डक के ऊपर कि जो फादर स्वेन थे अलोंग विद थ्री बेबी डकलिंग्स के साथ में, बेबी डकलिंग्स क्वैक क्वैक करते रहते थे, बोलते रहते थे, टू मच इतना बोलते थे, सो फादर स्वेन टुक देम टू डेथ, कि फादर स्वेन ने क्या करा, उनकी डेथ ही कर दी, उनको मार दिया। और इस जोक पर जो है मिस्टर किसिंग जो है बहुत ज़्यादा इट वॉज़ अ जोक ऑन, और ये जोक था मिस्टर किसिंग के ऊपर। दस द स्टोरी प्रोवाइड्स अ विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ डे टू डे लाइफ, और इस तरह से ये स्टोरी जो है आज की लाइफ में भी हमें इस बात को क्लियर करती है कि अंडर नाजिस ऑक्यूपेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट डिपिक्ट्स द ट्रूथ एज डिस्क्राइब्ड बाय एनी फ्रैंक। जिस प्रकार से एनी फ्रैंक ने इस बात को लिखने की कोशिश करी कि जो है हम अपनी बात को, हमारी बात जो है, हम अपनी बात को किसी और को, अगर हम अपने फ्रेंड्स को चाहें कि हमारा फ्रेंड को हम अपनी दुख भरी बात बताएं, तो वो आपके मन की परेशानी डिप्रेशन को वो नहीं सुनेगा। लेकिन पेपर, एक पेपर में इतना पेशेंस होता है कि वो अपनी आपकी इस बात को जो है वो सुन सकता है। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो इसमें इस बात को जो है डिस्क्राइब किया गया है कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। जो कुछ भी आपके भावनाएं हैं, जो कुछ आपके थॉट्स हैं, जो आप कहना चाहते हैं किसी से, वो पेपर में आप जॉटेड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर्स जस्ट, एंड होप यू मस्ट वॉच इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट ऑल। थैंक यू सो मच।